Character 1. Character 2. Character 3. मुझे ऐसा लगता है मैं आजकल अपनी जिंदगी कुछ ज्यादा शेयर कर रहा हूँ। अगर कंटेंट की रूप से देखूं तो लगता है ठीक कर रहा हूँ। तो क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ? इसी तरह आज मेरे पास दो बंदे मौजूद हैं, दोनों बंदों का फीडबैक जानेंगे मेरे काम के बारे में, क्योंकि आप लोग तो फीडबैक देने से रह गए। तो सर आप बताएं मेरे काम के बारे में, आपको कैसा लगता है मेरा काम? अच्छा यार, तू पूछ रहा है तो तुझे मैं बताता हूँ कि जो तू काम कर रहा है ना, बहुत ही आला, इस पर लगा रहे। ये हर बंदे को इस चीज़ का पता नहीं है, तू टेंशन ना कर। सारा फ्यूचर जितना भी है ना, सारा इसे सोशल मीडिया का है, और जिस फील्ड को तूने पकड़ा ना, बहुत ही आला इसे लगा रहे। और इंशाल्लाह तू बहुत तरक्की करेगा, तेरी वीडियोज़ जो है ना बहुत मज़े की हैं, आस्ते आस्ते तू बहुत इंप्रूव कर रहा है। तो बस जो है ना, इस काम को छोड़ ही ना, करता रहे, बहुत आला। मीन्स अ लॉट ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा यार तुम बताओ, तुम्हें मेरा काम कैसा लगता है? जी मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ, तुम्हें पसंद भी है या नहीं? अच्छा मैं तुझे क्या बताऊँ, हर वो बंदा जो वेला है वो तेरी वीडियो देखता है। अब मुझे पबजी खेलते हो तू डिस्टर्ब कर रहा है। अब बंदा तुझे पूछे तू एम क्या फजूल काम करता रहता है, हेलो गाइस ये हमारे उधर शादी हो रही है, ये मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ, ये मैं आज अपने दोस्तों के पास गया हूँ, ये हमारे आम का बाग है, तो फलां फलां भी बताता रहता है। अच्छा तो अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ बुरी लगती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, आई नेवर माइंड। वो तो वैसे तेरी वीडियो जब सामने आ जाती है फिर मैं देख ही लेता हूँ, मैं पागल हूँ अपना इतना कीमती वक्त जो तेरी वीडियो पर जाया करूँ। अच्छा वैसे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप अपने कीमती वक्त में क्या करते हैं तो ज़रा बता दें। मैं अपने कीमती वक्त में पबजी खेल लेता हूँ, टिकटॉक यूज़ करता हूँ, ये होता है मेरा कीमती वक्त। तुम्हारी वीडियोज़ देख के बंदा क्या करे? टिकटॉक यूज़ करते हैं कीमती वक्त में, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख लें तो उससे बेहतर है। खैर टिकटॉक पर भी अच्छा कॉन्टेंट आता है, टिकटॉकर्स डोंट माइंड। खैर ये थे वो दो किस्म के रवैये जो मेरी तरह हर क्रिएटर को फेस करने पड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक तनकीद होती है तनकीद बराए इसलाह, और एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद, जो ये थी। क्योंकि इसमें इसलाह तो थी नहीं, कि इसमें यह कहा जा रहा था कि बिल्कुल ही छोड़ दो, तुम नहीं कर सकते। मतलब ये वो लोग होते हैं जो ना खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं, इसलिए इनके लिए तो कान बंद कर लेना चाहिए। और वैसे कहने को तो लोगों की बातें इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ये नेचुरल है, लोगों की बातें इंसान की ज़िंदगी पर असर करती हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे ज़रूर। मुझे यूट्यूब की फील्ड में एक साल मुकम्मल हो गया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ कुछ बातें की जाएं जो चंद लोग मुझे देख रहे हैं उनके साथ कन्वर्जेशन करनी चाहिए। इट्स मी एंड यू। जी बिल्कुल, आप अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं, अगर नहीं भी देखते तो फिर भी मेरी कुछ वीडियोज़ देख लें, आप समझ जाएंगे मैं क्या शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि लोगों की बातें इफेक्ट करती हैं लेकिन मुझे नहीं करती। कहने को तो बहुत आसान है लेकिन कभी ना कभी कर जाती हैं, नेचुरल है। लेकिन उस पर रुक नहीं जाना, उससे आगे निकलना है। तो मेरे पास इस चीज़ का जवाब था। ऐसी बात है, जब आपका माइंड कोई चीज़, आपकी बॉडी किस चीज़ को अपने अंदर लेती है, किसी नेगेटिव रवैये को या पॉजिटिव रवैये को, तो आपको उसके आगे काउंटर आंसर देना होता है अपनी बॉडी को मज़ीद काम के लिए। अगर मेरे पास ये नेगेटिव थाट्स आएँ किसी की तरफ से तो मेरे पास उसका जवाब मौजूद है, वो ये कि आप अपने टी वी पर, मोबाइल पर ड्रामाज, फिल्म, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो नावल्स ज़रूर पढ़ते होंगे। अब उन सब में कुछ करेक्टर्स होते हैं, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होते हैं, उनमें करेक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, और फिर जाके आप उनकी ज़िंदगी देखते हैं, ये हीरो है, ये विलन है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जो आज का दौर है, इस टाइम में वो चीज़ भी चल रही है लेकिन लोग शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट देख रहे हैं, और वो मुझ जैसे हज़ारों क्रिएटर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो बिल्कुल नेचुरल है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, जिस तरह आप एक फिल्म में देखते हैं कि हीरो ये कर रहा है, वो कर रहा है, आगे पीछे जो भी स्टोरी है वो देखते हैं, इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी की कहानी आप लोगों को इस फिल्म के ज़रिए बता रहा हूँ। इस तरह आप एक नेचुरल जो हमारी ज़िंदगी देख रहे हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड की जाए देखने वाले को, उसका टाइम ज़ाया ना हो 10 से 15 मिनट वो जो मेरी वीडियो को दे रहे हैं। तो अब जिसको ये फजूल लगे उसका फजूल लगे, इसमें हीरो विलन सारे करेक्टर्स मैं खुद कर रहा हूँ, और मेरे वाली फिल्म में और उन टीवी ड्रामा वाली फिल्म में फ़र्क इतना है कि वो सब स्क्रिप्टेड होती हैं और ये सब नेचुरल है, एक एक चीज़ हकीकत पर मबनी है। तो आज ऐसा करते हैं, इस फिल्म को एक नाम भी देते हैं। वैसे तो मेरे YouTube बैनर पे लिखा हुआ है आ व्लॉगर फ्रॉम कश्मीर, लेकिन आज हम इसे कर देते हैं आ बॉय फ्रॉम कश्मीर। देखेंगे अगर कुछ और आइडियाज़ आए तो वो कर लेंगे, लेकिन आ बॉय फ्रॉम कश्मीर
वो लड़का आपको अपनी जिंदगी बता रहा है, वो क्या कर रहा है, उस पर एक फिल्म चल रही है। खैर ये बातें भी आपके और मेरे दरमियान करना वक्त की ज़रूरत थी, और वैसे भी मुझे यूट्यूब पे एक साल मुकम्मल हो गया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं मजीद एनर्जी के साथ और मजीद नए आइडियाज़ के साथ आऊँगा, और उसकी एक झलक आपने आज की इस वीडियो में देख ली होगी। और हाँ, एक और सवाल जो आपके जहन में भी होगा, इसका जवाब मैं खुद दे देता हूँ। सवाल ये कि क्या मैंने एक साल में इन वीडियो से कुछ अचीव भी किया या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन फिर कभी। तो मुझे ये भी पता है कि इस वक्त जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वो भी अपनी फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, एनर्जी, एटीट्यूड सब कुछ मिक्स करके एक नई चीज़ लेके आएँ और लोगों के सामने परफॉर्म कर सकें, लेकिन वो सोच रहे हैं शुरू किधर से करें। तो ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा आपको ये एक बहुत ही मुफीद बामी वाला मशवरा है कि इस फील्ड में आप आएँ, वेलकम, लेकिन ना भी आएँ, क्योंकि आप डिप्रेस हो जाएंगे। अगर आपके पास सब्र नहीं है इस फील्ड में, चाहिए पेशेंस, आपको लगे रहना। जब तक आप कंटेंट देंगे, रातों को जाके एडिटिंग करेंगे, दिन में जो है ना कैमरा फेस करेंगे लोगों के सामने, और जब आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, अटेंशन नहीं मिलेगी, तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, और ये इतना ख़तरनाक है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ये मेरी बातें कुछ मायूस कन होंगी, लेकिन हकीकत से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है, देखो इसके दो रीज़न है। एक है, एग्जाम्पल ले लो, बंदा मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है, वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकते हैं, 5-7 दिन जाएंगे शॉप पे, काम सीखेंगे, चल जाएगा। लेकिन यूट्यूब हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इस फील्ड में अपना लोहा मनवा लेता है उसे रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। नंबर एक, बहुत सारा फेम, पैसा, जो मुझे अभी तक नहीं मिला लेकिन मैं लगा हूँ। उसके बाद इसी तरह आपके साथ ब्रांड्स इंगेज हो जाएंगे, आप खुद एक ब्रांड बन जाएंगे, लेकिन मैकेनिक बन के तो आप ब्रांड नहीं बनेंगे। खैर वो भी बन जाता है बंदा जो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन इसमें आपके फ़ैन इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके पास आडियंस आ जाएगी एक बड़ी, आप कुछ भी अपना सेल करना चाहते हैं, कुछ भी अपनी बात, अपने इमोशंस, कुछ भी जो आप लोगों के सामने यहाँ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, और इसलिए ये डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन फिर भी अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वेलकम, मैदान आपके लिए खुला पड़ा है। और ये थी मेरी और आपकी दिल की बातें। और हाँ, जाते जाते एक और बात। ओ भाई यार, हाथ देख, क्यों भाषण दे रहे, कहीं और जगह पे जाके भाषण दे, मुझे डिस्टर्ब ना कर, मुझे गेम खेलने दे। ये देखें हम, यो वो, एक बंदा रह गया। हाँ यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो बाकी बातें बाद में कर लेना। अच्छा चल, तू कहते है तो ठीक है, वरना इसकी कौन सुनता है। खैर वस्सलाम, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।